वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल है ना। तो आज आपका इस नए ब्लॉग में मैं स्वागत करता हूँ। और हमारा ये इधर का जो जलंधर का हमारा फर्स्ट ब्लॉग होने वाला है। इधर ना एक सोलन मेला, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, मंदिर कह सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है, उधर बहुत ही मज़ा आता है और उधर मेला लगा हुआ है। तो हम इधर आ रखे हैं मेला को घूमने के लिए और पूरा एक्सप्लोर करेंगे। हम आपको एक एक जगह जो है ना इधर की एक्सप्लोर करवाएंगे। और आप मैं देख सकते हो बहुत ही अच्छा है, मैंने इवनिंग का टाइम हो गया है और इवनिंग में इधर बहुत ही मज़ा आने वाला है ना। तो आप सभी को ना बहुत मज़ा आएगा, आप एंड तक वीडियो को जरूर देखना। तो आपको करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। गाइस ये जो है ना ये सोडल का अंडरग्राउंड ब्रिज है, मतलब कि बहुत ही अच्छा बन रखा है ना ये भी, अंदर से अंदर बहुत अच्छा है ये ना। आपको अंदर अंदर दिखाते हैं, मतलब कि अभी हमने पूरा एक्सप्लोर करना है, अभी हम चली जा रहे हैं बस एक्सप्लोर करने के लिए, है ना। तो अभी हम चलते हैं। गाइस आप देख सकते हो ना कितने सारे लोग आ रखे हुए हैं ना इधर, मतलब कि ये बहुत ही बड़ा मेला होता है जो जलंधर का सबसे मेन माना हुआ मेला है ये। मतलब कि इधर बहुत ही सारे लोग आते हैं ना, इधर बहुत ही मज़ा आता है। देखो अब लाइटिंग भी होगी है ना, अब थोड़ा और अंधेरा होगा ना ये और भी अच्छा लगेगा। फिर आप देख सकते हैं ना अभी है ना भाई, तो आप देख सकते हो कितनी संगत है ना इधर, मतलब ये सब लोग आए हुए हैं मेला घूमने। हम इस पर चढ़ेंगे जो ये है नहीं जो है, हम इसके ऊपर चलेंगे, बाकी नहीं हम जाएंगे, लेकिन हम इस पे मेन जरूर जाएंगे, है ना। तो अभी आप देख सकते हैं ना, हमने पहले ना अंदर मंदिर में जाना है, फिर आगे हम जाएंगे पूरा।
लाइटिंग बहुत अच्छी लग रही है इधर, मतलब कि सभी सारे एक्साइटेड हो रहे हैं ना, जैसे मतलब कि कैमरा देखते हैं ना सामने और माइक देखते हैं तो सभी लोग कह रहे हैं कि मेरी फ़ोटो लो मेरी, मतलब जबकि मैं फ़ोटो नहीं, मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, है ना, सभी लोग तब भी लगे हुए हैं कि भाई मेरी फ़ोटो ले लो, मेरी फ़ोटो ले लो। ये देखो ये भी बुला रहे हैं, तो भैया आप सभी को कैसा लग रहा है, मतलब कि आप इतने अच्छे मेले में आए हो अभी, है ना, कि आप क्या कितना अच्छा लग रहा है, सामने आपका व्यू भी अच्छा है, मतलब कि मेले में हमारा श्री सिद्ध बाबा सोनी मेला जो है हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक लगता है, तो हम इस मेले का जो आयोजन है यहाँ पर लंगर लगा के करते हैं। हाँ जी, आपको भी सभी को निवेदन है कि इस मेले में आए और इस मेले की शान माने और इस मेले का आनंद उठाएं आप सभी भाई मिलकर। सलाम वालेकुम, चलो भैया बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके, आपके विचार बहुत अच्छे हैं और आप YouTube पे आएगा जरूर देखिए और सब्सक्राइब करिए यूवी ब्लॉग। मैं चढ़ने भाई पूरा डर लगेगा, मैं इस पे नहीं व्हील पे चल जाऊंगा, लेकिन इस पे नहीं जाना मैंने, इसके ऊपर
बहुत ज़्यादा यहाँ पे शोर है, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा है ना इधर, तो गर्मी भी बहुत लग रही है इधर, लेकिन अच्छा लग रहा है। तो गाइस हम ना मतलब कि ये जो मंदिर है ना, हम इसके अंदर प्रवेश करने वाले हैं अंदर से ना। ये इसका मेन जो द्वार है ये यहाँ से स्टार्ट होता है ना। आगे अंधेरा, मैंने अपनी लाइट भी जो है ना वो लगा ली है अभी, है ना। तो अब चलते हैं आगे, है ना गाइस। तो हम आप लाइट दे सकते हैं ना इसकी, मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ करी है लाइट, मुझे अच्छी लग रही है ये, है ना। इसके एक और मोड है वो भी ऑन करता हूँ मैं, ज़्यादा अच्छी लग रही है ना। पीछे देखो कितना अंधेरा और फेस देखो। आपको आगे अंदर से दिखाते हो, मम्मी पापा भी आ रहे हैं, आपको शायद से दिख नहीं रहे होंगे ना, अंधेरा है ना इतना ज़्यादा इधर। तो फिर चलते हैं, दिखाते हो आपको ना, आगे से भी दिखा देते हैं। ज़्यादा संगत आ जाती है ना इधर, भैया अब यहाँ से ना गेट जो है ना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम गेट के गेट से अंदर चलेंगे ना। ये इधर का मुझे मेन गेट है, वैसे इधर से जो एंट्री है ना वो हमारी वो स्टार्ट हो जाती है ना इधर से। गाइस हम मतलब कि ना इन्होंने हमारी चेकिंग करी, अभी इन्होंने लगा हमने कुछ डाला था बैग, अच्छा लग रहा है ना इधर।
गाइस ये जो आप स्थान देख रहे हो ना, ये वही स्थान है जहाँ पे जो सोंडिल बाबा जी जो है ना वो इधर आए थे पहले, बल्कि ना यहाँ पे अपने माता जी के साथ वो आए थे कपड़े धोने के लिए, बल्कि यहाँ से कपड़े धो रहे थे यहाँ पे इसके पीछे तालाब था जहाँ पे वो आए थे, है ना। तो मैं आपको अच्छे से पूरा दिखाऊंगा, मैंने ये इन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी है इधर से, बल्कि मेन जो जगह ये हमारे पंडित जी हैं ना रामा पंडित जी, और ये जो है ना मतलब कि यहाँ से हम उन्होंने पूरा स्टार्ट किया था जो कपड़े यहाँ पे अपनी माता जी के साथ धोए थे, और ये पीछे जो तालाब है ना इधर वो आए थे, मतलब कि यहाँ पे छोटे जब वो छोटे थे ना मेरे ख्याल से बहुत छोटे मतलब कि 2 या 3 साल के थे तब, है ना। ये जो जगह ना ये वो वाला मंदिर है, मतलब यहाँ पे अपने माता जी के साथ वो आए थे इधर, है ना कपड़े धोने। ये जो बीच में आप देख रहे हैं ना ये वही स्थान है जहाँ से वो बाद में आए थे ना, आप अच्छे से देख सकते हैं। अभी हम नीचे भी चलेंगे, यहाँ से ना मतलब कि हम अंदर जाने वाले हैं, बाबा जी थे ना जो सोडिल बाबा जी वो यहाँ पे आए थे, मतलब कि यहाँ पे अपने माता जी के साथ जो थे ना मतलब कि वो कपड़े धोने के लिए आए थे, फिर हुआ क्या था कि उन्होंने ना मतलब कि अपनी माता जी के साथ जो ना उन्होंने शरारतें करी थी, जैसे सब करते हैं ना छोटे जब बच्चे होते नटखट होते हैं आपको भी पता है ना, तो उन्होंने ऐसे करी थी, तो फिर ना उनकी माता जी ने ना उनसे तंग कर उन्होंने कहा था कि आप ना मतलब कि बहुत तंग कर रहे हो तो आपने इस पानी में छलांग लगा दो, फिर उन्होंने ना इधर आके ना छलांग लगा दी थी, फिर उसके बाद ना उनकी जो माता जी थी ना रोने लग पड़ी, इधर पास में खड़े होके रो रहे थे, फिर उन्होंने मतलब कि अंदर जाने की कोशिश नहीं करी थी, मैं उनको बचा दूँ, फिर ऐसे उनके जो गाँव वाले लोग थे वो सारी वहाँ पे आके इकट्ठे हो गए थे, आए नहीं थे उधर, है ना। फिर उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे बचाने के लिए अंदर आ जाते हैं तो मैं आपको डूबने से बचा लेता, मतलब कि आपको मरने से भी बचा लेता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने नहीं अंदर नहीं गए कोई भी बचाने के लिए, तो फिर ऐसे इसलिए ना उन्होंने किया कि फिर वो बाहर आए, उन्होंने आके अपने दर्शन दिए सभी को, बताया कि आज से मैं सबकी जो है ना वो मुरादें पूरी करूँगा, तब से ये चला आ रहा, मतलब कि ये जो प्राचीन का मंदिर है ना तब से ऐसा कि आप सच्चे दिल से आते हो, आप एक भगत हो नहीं हो, आप मानते नहीं मानते, लेकिन अगर आपकी जो इच्छा है ना अंदर से वो सही में है, मतलब अच्छे से आपकी पूरी दिल की इच्छा है तो वह आपकी पूरी संपूर्ण होगी ही होगी, ऐसा था इधर, है ना। कैसे आपको मैंने इधर की कहानी जो है वो पूरी डिटेल में बता दी है, तो अब हम आपको अंदर से भी दर्शन करवाते हैं। जहाँ पे बाबा सोडल जी जो थे ना वो अपनी माता जी के साथ आए थे कपड़े धोने के लिए,